बोलिए भारत माता की जय, बोलिए माता भुवनेश्वरी देवी की जय। सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आज बेनी हल्के की इस रैली के अंदर पहुंचे हैं और ऐसी पुण्य भूमि पर पहुंचे हैं जहां केवल हरियाणा से नहीं बल्कि पूरे देश भर से माता के भक्त यहां पर इस पवित्र स्थान पर माता का आशीर्वाद लेने और माता से वो सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहां पर आकर माता से अपनी वंदना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। आज ऐसी पुण्य भूमि पर हमारा भी हरियाणा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2019 के इस अवसर पर आना हुआ है और जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने ये चर्चा की गाड़ी में कि यहां पर माता के मंदिर में दर्शन करके जाऊंगा। कल पवित्र नवरात्रों का त्योहार शुरू हो रहा है और आज यहां पर माता का आशीर्वाद लेकर और ये कामना करूंगा कि यहां पर हमारे इस बेरी विधानसभा से इस बार जिस पर माता विराजमान होती है कमल का फूल खिलेगा, खिलेगा कि नहीं खिलेगा, ऐसा आशीर्वाद माता श्री हम सब को प्रदान करे। आज इस पवित्र भूमि पर हमारे बीच में हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को आज यहां पर स्थान तक पहुंचाने वाले नेताओं में से नेता जिन्होंने अनेकों आंदोलनों में अपने योगदान के माध्यम से हिस्सा लिया और न केवल हरियाणा के अंदर अपितु केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायी रूप से बनवाने का काम किया। ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्री रामविलास शर्मा जी, और देखिए भाई एक बात बता दूं, दादा का पसीना कढ़ा दिया तुमने आज बेरी में, और दादा का पसीना खाली मत जान दियो। देखे दादा है वो ब्राह्मण है, महाराज ब्राह्मण की आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए, करते हो प्रसन्न है क्योंकि ब्राह्मण दादा जो हमारी आत्मा से आशीर्वाद सबको देगा ताकि ये क्षेत्र हमारा फलीभूत आगे हो। विशेष रूप से जिनके लिए हम सब लोग आए हैं इस सभा के अंदर, हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री संजय कपलाना जी उपस्थित, हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजपाल शर्मा जी उपस्थित, हमारे दिल्ली से पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र कमांडो जी उपस्थित, हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रवीण अहलावत जी उपस्थित, धर्मदेव सोलंकी जी पूर्व विधायक, नीलम अहलावत जी, रतन सागर जी जिला महामंत्री, ऋषि दाखड़ जी, राजेश आर्य जी, मनीष चेयरमैन साहब जी, नवीन राठी जी, राजेश शर्मा जी और उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे मंचासीन नेतागण, और विशेष रूप से मैं तो आपको फिर से एक बार प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं भी ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे सेवा करने का अवसर मिला है जहां सिद्ध श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी ने अपनी तप साधना से पूरे इस क्षेत्र का कल्याण और आशीर्वाद दिया है। और ऐसी पवित्र भूमि ये है, यहाँ पर आप सभी माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी बैठे हैं, आपकी पवित्र आत्मा है, आप सौभाग्यशाली है किस बेरी हल्के के अंदर आपको भगवान ने जन्म दिया है जहाँ स्वयं माता विराजमान होकर अपना निवास करती हैं और पूरे संसार को आशीर्वाद देती हैं। मेरा आप सबको प्रणाम है, आप सबको नमस्कार है। मुझसे पूर्व दादा श्री रामविलास जी ने
भाई संजय जी ने और अनेकों नेताओं ने आपसे अनेकों बातें कही हैं। मैं तो भाई इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा की हमारी जनता को कोई समझा नहीं सकता। आप देश के अंदर उस राज्य के अंदर हैं जो सबसे अग्रणी राज्य है, विकास के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात आती हो तो देश के लिए मर मिटने की बात के अंदर हो, चाहे देश को सम्मान दिलाने की बात आती हो तो देश के लिए खेल के मैदान में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए हरियाणा का नाम और सम्मान पूरे देश और पूरी दुनिया में गूंजता है। इसलिए हम तो आपको क्या बता सकते हैं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं, आपने सरकारें बनाई हैं 1947 से लेकर आज तक, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, यहां से कोई विधायक चुनना हो या सांसद चुनना हो, आपने अपने बुद्धि के उपयोग से, अपनी दूरदृष्टि से आपने नेताओं को बनाया है और नेताओं को धरती पर भी बिठाया है। ये काम आपका है, आपने करके दिखाया है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आपके वोट की इतनी बड़ी ताकत है, देश आजाद 1947 में हुआ, उससे पहले हजार सालों तक देश पर मुगलों ने अंग्रेजों ने शासन किया, हजार साल, दो चार पीढ़ी के हमारे बूढ़े का नाम याद नहीं रखता हमने, हम हजार साल तक गुलाम रहे और गुलाम रहने के बाद में जब देश आजाद हुआ, देश के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने ये सपना देखना शुरू किया कि अब देश गुलामी की जंजीरों को काट चुका है, तोड़ चुका है और अब ये देश फिर से उठ खड़ा होगा और एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन हमारे सपने उन शहीदों के सपने में पूरे नहीं हुए, जिन सपनों के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने प्राणों को न्योछावर किया, क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस का शासन शुरू हो गया, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज के डीएनए पर जीने वाले ये कांग्रेस के नेता लोग फिर हमारे पर गुलाम के रूप से हम सबको गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आजादी के 77 साल तक कांग्रेस का सबसे अधिक शासन देश पर रहा, लगभग 60-65 वर्ष कांग्रेस ने देश पर शासन किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पवित्र भूमि पर आप सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर माता स्वयं विराजमान होकर अपना निवास करती है, अपनी अंतरात्मा से सच बोलना, सबसे अधिक राज करने वाली कांग्रेस, क्या कभी कांग्रेस ने किसानों का भला सोचा? क्या कांग्रेस ने कभी गरीबों का भला सोचा? क्या कांग्रेस ने कभी युवा आगे बढ़े और कभी कांग्रेस ने देखा? क्या कांग्रेस ने कभी ये सोचा कि देश एक विकसित राष्ट्र बने? और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस इतनी ताकतवर थी, उस कांग्रेस ने कभी भी हमारे धर्म संस्कृति को सम्मान देने की बात नहीं कही। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने वकील के माध्यम से, इनके नेता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम तो कभी हुए ही नहीं, हनुमान कभी हुए नहीं, कोई लंका पर राम नहीं गए, कोई युद्ध नहीं हुआ, ऐसा एफिडेविट इस कांग्रेस ने दिया था। और ये कांग्रेस कहां चाहती थी कि भगवान का मंदिर बने, जो इतने ताकतवर होने के बाद भी ये कभी नहीं चाहते थे। इनका तो यही उद्देश्य था, जिस भांति अंग्रेज और मुगल हम पर राज कर चले गए, मुगलों ने हमें प्रताड़नाएं देकर राज किया, अंग्रेजों ने हमें बांट कर राज किया, और उसी भांति कांग्रेस ने भी वही काम आगे बढ़ाते हुए देश को अलग अलग जाति धर्म में बांटते हुए देश को विभाजित करने का काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, हाथ उठाकर बताओ कि अगर कांग्रेस चाहती तो राम मंदिर क्या नहीं बनता? हाथ उठाकर बताओ, क्या कांग्रेस चाहती नहीं बनता? नहीं चाहती थी इसलिए नहीं बना। आपकी वोट की ताकत से आपने वोट दिया, ताकत दी मोदी जी को, और आपके बलबूते, आपकी ताकत के बलबूते मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया और धारा 370 भी तोड़ी है। मोदी जी ने घर घर
उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया। मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, शौचालय बनवाने का काम किया, जनधन खाते खोलकर आज कांग्रेस के लोग भी बात करते हैं मंचों से कि हम पेंशन का पैसा सीधा आपके खाते में भेजेंगे। अरे खाते खुलाने का कभी आप लोगों ने काम नहीं किया, ये तो मोदी जी का धन्यवाद है कि 2014 से लेकर वर्तमान समय तक आप कल्पना करिए 60 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खुले, 60 करोड़ से अधिक लोगों के। आज कोई भी पैसा आपका चुरा नहीं सकता, सीधा पैसा आपके खाते में जाता है। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव हरियाणा में सरकार चुनने का, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का चुनाव तो है ही, इसके साथ साथ में हरियाणा प्रदेश के साथ में देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जो 10 सालों से देश में और प्रदेश में काम हुआ है, उस काम को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी बनती है। इसलिए चुनाव को न केवल हरियाणा बल्कि देश को भी आगे बढ़ाना है और आने वाले समय पर ये देश एक विकसित राष्ट्र बने, उस भांति हम सबको भी अपना योगदान अपने वोट के माध्यम से देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हम सबको मिलकर उसको योगदान देना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से हमारे संजय कपलाना जी, 5 तारीख को मतदान है और पड़ोस में आपके रोहतक में रहता हूँ, आप रोहतक को अच्छी तरह से जानते हैं, उस मठ को भी जानते हैं, और वही संजय कपलाना जी है जिसके एक बगल रामविलास शर्मा जी खड़े हैं, दूसरे बगल मैं खड़ा हूं, और हम दोनों मिलकर, हम तीनों मिलकर आपके हर काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। आपको कभी भी कोई किसी बात की आवश्यकता पड़े तो भाई संजय की गारंटी मेरी है, और जब मुझे आदेश करोगे तो आपके बीच में खड़ा होकर और आपको, हम दोनों मिलकर आपके विकास को और आपकी भावनाओं के अनुरूप अपने मेरी हलके को आगे बढ़ाने का हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इस भावना के साथ में आप सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को आप सब लोग मिलजुल कर एक साथ कमल का फूल का बटन दबाकर हर ओर से हमारे क्षेत्र से कमल का फूल का बटन दबाकर कमल खिलाने का काम करें और भाई संजय कपलाना जी को भारी बहुमत से विजय बनाकर चंडीगढ़ भेजकर और चंडीगढ़ से विकास अपने मेरी हलके में लाने का आप सब लोग मिलकर काम करें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।